अरे भाई रवि, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, पूरे दिन मेहनत करता रहता है। बस थोड़े दिन की बात है, फिर तो आराम ही आराम है। वो कैसे भाई? मुझे लग रहा है इस बार मेरी पत्नी एसडीएम बनी जाएगी। चल यार, भगवान करे बन जाए, मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती। छोड़ अब तू काम कर ले। ठीक है भाई। अरे रवि, भाभी आई है। अरे तुम यहाँ? खाना आपके लिए। अरे आप सुबह भी खाली पेट आ गए थे, आपके लिए खाना लेके आई हूँ। तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करना? अरे बाबा पढ़ रही हूँ मैं, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, आप खाना खा लेना। तुम्हें पढ़ना है? ठीक है, आप अभी खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। रवि यार, तेरी बीवी तो तेरा बहुत ख्याल रखती है भाई। भाई बस वो इस बार एसडीएम बन जाए, अपने सारे दुख खत्म हो जाएंगे भाई। चिंता ना कर, बन जाएगी भाई। बस भाई यही दुआ थी। तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने घर का कोई काम नहीं करना? अरे नहीं नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा रह रहा है। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। बस मैं कर लेती हूँ, बस बन गया, आप बैठो। ये तुम्हारी किताब है, ये तुम पढ़ो, ये घर का काम मैं करूंगा। तुम खड़ी हो जाओ, जो बोल रहा हूँ वो सुनो, खड़ी हो। ठीक है, चलो। अरे उठ गए आप? हाँ, तुम सोई नहीं अभी तक? बस मुझे नींद नहीं आई। अरे कहाँ जा रहे हो? खाना बना देती हूँ, खा लो। खाना तो खा के जाओ। मैं उधर से ही खा लूंगा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ काम पर। रवि उठो, जल्दी उठो। हाँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। सच्ची में? हाँ, अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम्हारी मेहनत सफल हुई रवि। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तो एसडीएम बन गई, अब अपने सारा कर्जा पानी उतर जाएगा। मुझे एक महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरी पोस्टिंग आई है, फिर मैं वापस आऊंगी तुम्हें लेने। कोई बात नहीं, तुम वहाँ पे मन लगाकर काम करना, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा, तुम आराम से जाना। चलो ठीक है, अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ। चलो ठीक। टेंशन ना ले, आ जाएगी अभी, मैं चलता हूँ। ठीक है, रवि बहुत एक बात भी। तुम यहाँ? तुम घर पे ही रहती, हम दोनों साथ चल लेते। मैं यहाँ साथ चलने के लिए नहीं आई हूँ। तो किस लिए आई हूँ? मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ, ये लो। ये क्या है? पढ़ लो खुद ही। जो पढ़ना लिखना नहीं आता तुम ही पढ़ के बताओ। ये तलाक के पेपर है। तलाक? किसका तलाक? तुम्हारा और मेरा तलाक। तुम कहाँ ये छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, और मैं कहाँ एसडीएम। तुम्हारे साथ अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अब मैं एक एसडीएम बन चुकी हूँ, अब तुम्हारा और मेरा स्टेटस ही मैच नहीं करता। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इस पे साइन कर देना, मेरा वकील इन पेपर्स को ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहा, तुम्हें लिखाया पढ़ाया, तुम क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है? मुझे सब पता है, मैं तुमसे बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ, जो कि मैंने ढूंढ भी लिया है। और ये कौन है? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कौन है ये? तुम अपने काम से मतलब रखो, इन पेपरों पे साइन कर देना, मेरा वकील आ जाएगा और लोग मुझ पे मेरे को देख के हंसेंगे अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो। लोग जब नहीं हंसे जब मैं तुम्हें पढ़ा लिखा रहा था? वो मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और तुम एक छोटे सा मजदूर हो। ये तो सुना था कि इंसान बदल जाते हैं, पर भाई ये जल्दी बदल जाते हैं। चुप हो जा भाई, सब ठीक हो जाएगा भाई।